हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बलराम मैकेनिक राइडर। आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये स्प्लेंडर प्लस का सिंगम है, तो उसमें बूस्ट लगाना है दोस्तों, जो कि झूला बूस्ट बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, सिंगम का जो बूस्ट है वो लगाना है। एक बूस्ट को मैं निकाल चुका हूँ और दूसरे वाला बूस्ट को मैं अभी फिर से निकालने वाला हूँ और फिट करने वाला हूँ दोस्तों। बहुत बार क्या होता है, इसका बूस्ट को निकालने में मुश्किल हो जाता है और किसके पास लेके जाना पड़ता है या गैस कटर से उसको कटिंग करना पड़ता है दोस्तों हीट करके। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, इजी ट्रिक है दोस्तों। आपके पास भी ये वाला पुलर रहेगा तो आप 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर आप इसको फिट भी कर सकते हो निकाल के, ठीक है दोस्तों। देखिए, पुलर लग चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ऐसे लगा देना है, उसके बाद मैं आप लोग को दिखा दूंगा ये कैसे निकल जाएगा दोस्तों। उसके बाद हैमर से इसको टैप करना है दोस्तों, ऊपर ऊपर से। देखिए, जो हथौड़ा से ऊपर से टैप करना है, उसके बाद बूस्ट निकल जाएगा दोस्तों इस तरह से। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका पुलर को लूज करते हैं, उसके बाद मैं खोल के आपको दिखाऊंगा दोस्तों, इजीली निकल जाएगा। और आपके पास ये वाला पुलर है तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, आपका टाइम भी बच जाएगा दोस्तों। आप लोग ये वाला पुलर मंगाना चाहते हो तो आप मुझे कंटैक्ट कर सकते हो, मैं नंबर दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन पर मेरा नंबर रहेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, मैं निकाल दिया हूँ, उसके बाद नया वाला फिट करके भी आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों, कि जो कि झूला का बूस्ट है वो नया वाला फिटिंग करके मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ दोस्तों। जैसे हीरो होंडा का हो गया, स्प्लेंडर हो गया, डिलक्स हो गया, पैशन प्रो हो गया, उस बाइक के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो दोस्तों। देखिए, ये पुराना वाला बूस्ट तो निकल चुका है, आपको दिख रहा होगा, मैं निकाल दिया हूँ, उसके बाद कूलर को फिर से लगा दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद उसका प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, 42 रुपीज़ है देखिए, जो कि हीरो का जेनुइन में है दोस्तों। देखिए, आप देख पा रहे होंगे 42 रुपीज़ है, जो कि हीरो का जेनुइन में है, ठीक है। वन पीस का बूस का प्राइस वही है। तो दो बूस मैं लगाने वाला हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, दो बूस को निकाल के दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए, मैं ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, ये निकल गया। देखिए दोस्तों, ये दो बूस है और दो बूस नया वाला आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो पुराना वाला बूस को मैं साइड पे रख देता हूँ, उसके बाद नया वाला फिट करता हूँ दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह से आपको फिटिंग करना है, फिर से उसी कूलर से लग जाता है दोस्तों। देखिए, ऐसे लगाना है, उसके बाद उसको ऊपर से फिर से टैप करना है दोस्तों, इसके अंदर चला जाएगा। तो आपको भी ये कूलर चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर रहेगा, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं रहता, कुछ प्राइस है, मैं आप लोग को वो भी बता दूंगा उस टाइम, ठीक है। आपको लेना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखिए, फिटिंग हो चुका है, इजीली लग गया है ये, ठीक है, आप देख सकते हैं। अभी दूसरे तरफ मैं फिटिंग करने वाला हूँ बूस को, जो झूला का बूस है वो वाला, यहाँ पे सिंगार का जो बूस है उसको फिटिंग करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। मेरा वॉयस थोड़ा दब गया है, गला बैठ गया है दोस्तों, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग को थोड़ा लगेगा कि वॉयस में कुछ चेंजेस लगेगा। मैं आप लोग को थोड़ा सा शेयर करने के लिए छोटा सा वीडियो ये बनाया हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए, उसके बाद फिर से फिटिंग करता हूँ इस साइड का और आप लोग को दिखा देता हूँ दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। ये वाला पुलर आपके पास रहना चाहिए क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा दोस्तों, बहुत जल्द आप फिटिंग भी कर सकते हो, आपका बाइक भी बहुत जल्द रेडी हो जाएगा। ये पुलर आप रखोगे तो फिटिंग का चार्जेस भी आपको किसी और को देना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही कर पाओगे, ठीक है। देखिए, वही वाला है ये, ठीक है दोस्तों, पुलर ये है। देखिए, पूरी तरह से फिटिंग में कर चुका हूँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इजीली फिटिंग हो गया दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपको टूल किट चाहिए तो कॉन्टैक्ट जरूर करें।